आईआईटी बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ हुए रेप की वारदात ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। घटना 1 नवंबर की देर रात हुई, लेकिन तीनों आरोपियों सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान और कृणाल पांडे को पकड़ने में पुलिस को लगभग 2 महीने का वक्त लग गया। तीनों आरोपियों ने पीड़िता को गन पॉइंट पर डराया और धमकाया भी था। उन्होंने उसके कपड़े उतार कर वीडियो भी बनाया। इस कांड ने देश को शर्मसार करके रख दिया। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आईआईटी बीएचयू गैंग रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी में कैसे लग गए 60 दिन और अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ। चलिए आपको शुरुआत से पूरा मामला बताते हैं। ये पूरी वारदात बीते 1 नवंबर को हुई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया बल्कि बंदूक की नोक पर उसके कपड़े भी उतरवाए गए। छात्रा ने बताया कि यहाँ उसका गैंग रेप भी हुआ, उसका वीडियो बनाया गया और जबरन फोन नंबर भी लिया गया। इस पूरे मामले के बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 354B, 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया। इस बीच छात्रा के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी और आईआईटी बीएचयू कैंपस में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप की धारा 376D जोड़ी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपियों की पहचान वारदात के 7 दिनों बाद ही हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में करीब 2 महीने का वक्त लगा दिया। इस मामले में अभी वाराणसी पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि यूपी के मंत्री ने इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन भी दिया। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में स्टैंप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस पर जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मंत्री ने कहा कि आरोपी कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, उसने बीजेपी में शरण ले ली हो, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए अब आपको इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट भी बता देते हैं। आईआईटी बीएचयू कैंपस में 2 महीने पहले हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों कृणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। उस बुलेट को भी बरामद कर लिया गया है जिसके जरिए इस वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों आरोपी कैंपस में पहुंचे थे। इस घटना को लेकर राजनीतिक बवाल भी हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है।